दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं UEFI बॉक्स के बारे में और आपको बताने वाले हैं UEFI बॉक्स को अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाले हैं और UEFI बॉक्स के अंदर में कौन कौन सा फीचर है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और UEFI बॉक्स को कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे उसकी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है सेटअप फाइल को और कैसे उसे रजिस्टर करना है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूँ कि UEFI बॉक्स से जो है आप ऑनलाइन वाले कोई भी सेट को जो अगर आप ISP पिन आउट करते हैं तो उसका FRP रीसेट कर सकते हैं। दूसरी बात, मान के चलिए अगर आप कोई सैमसंग का मोबाइल को अगर फ्लैश कर रहे हैं और उसका अगर अचानक बूट अगर डेड हो जाए, मोबाइल बिल्कुल डेड हो जाए, उसका बूट रिपेयर कर सकते हैं। और कोई सैमसंग का मोबाइल अगर आप मान के चलिए फ्लैश कर रहे हैं या फॉर्मेट कर रहे हैं फिर भी उसका जो है एप्लीकेशन डिलीट नहीं हो रहा है तो उस हालत में भी उसका EMMC को आप इस बॉक्स से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं, EMMC रिपेयर कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और फ्लैशिंग कर सकते हैं और सभी सेटों का जो आप इसमें अनलॉकिंग कर सकते हैं इस UEFI बॉक्स से, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में UEFI बॉक्स का सारा स्टेप जो है आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसका सेटअप फाइल डाउनलोड करना है, कैसे उसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसे रजिस्टर करना है, ये सारी की सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है तकरीबन 14 मिनट की वीडियो है, ठीक है। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं ये ISP पिन आउट है, बाकी ये दो को बॉक्स दिया हुआ है इसमें EMMC IC को लगा के रिपेयर करने के लिए, बाकी ये आपका UEFI बॉक्स है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपको कैसे आपको इसे इसका सेटअप जो है डाउनलोड करना है, कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो वीडियो के साथ बने रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने UEFI का सेटअप जो है डाउनलोड कर रखा है, जितनी भी इसकी सेटअप है वो सारी की सारी सेटअप को मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको पहले ओपन करके दिखा दूं यहाँ पे कि कौन कौन सा इसका सेटअप है, ठीक है। तो चलिए हम आपको इसे यहाँ जूम करके दिखाते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि UEFI का जो है मेन सेटअप है इसमें, ठीक है। ISP पिन आउट का जो है सेटअप है, उसके बाद इसमें जो और भी कई जो है सेटअप है, ठीक है। ये सारी सेटअप आपको डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको डाउनलोड करना है। पहले आप यहाँ पे सारे सेटअप को देख लें, ये सारे सेटअप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप UEFI बॉक्स यूज करना चाहते हैं या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ये सारे सेटअप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, या कभी अगर आप लेना चाहेंगे UEFI बॉक्स तो आप इस सभी सेटअप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और UEFI बॉक्स खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट से खरीद सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि UEFI बॉक्स का सेटअप आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है www.uefibox.com, तो www.uefibox.com आपको टाइप करना है किसी भी ब्राउजर में, उसके बाद आपको एंटर मारना है तो UEFI बॉक्स का जो साइट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे डाउनलोड करना है सारी सेटअप जो मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया। तो आप पहले यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपको यह टाइप करना है www.uefibox.com। तो चलिए अब हम यहाँ पे एंटर मारते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं UEFI का जो साइट ओपन हो चुका है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके पास UEFI बॉक्स है या UEFI डोंगल है दोनों का सेटअप आपको यहीं पर मिलेगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको सपोर्ट का, डाउनलोड का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे सबसे लेटेस्ट सेटअप ऊपर में है, आप ये सबसे ऊपर वाले सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये लेटेस्ट सेटअप है। इसके बाद जो पुराना वर्जन है वो आपको नीचे में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं ये लेटेस्ट है, बिल्कुल ये लास्ट वर्जन है, उसके बाद ये एक वर्जन है, उसके बाद नीचे में आपको और भी वर्जन मिलेगा। तो सबसे आप लेटेस्ट वाला ही डाउनलोड कीजिएगा ऊपर वाला, और उसके बाद ये जो सेटअप है सेटअप को छोड़ करके बाकी जो जितनी भी फाइल है ये सारी आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड कर लिया मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डाउनलोड कर रखा है। सबसे पहले आपको EMMC ISP पिन आउट को जो आपको जो सेटअप को जो है एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या खूबी है, इससे आप क्या कर सकते हैं इस सेटअप से। तो जैसे हम इस सेटअप को एक्सट्रैक्ट किए उसके बाद यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर में, चलिए इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस फोल्डर को मैंने ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा जो ISP पिन आउट का जो यहाँ पे जो है दिया हुआ है, ठीक है। इमेज है यहाँ पे, कोई भी सैमसंग का मोबाइल किसी भी कंपनी का मोबाइल को अगर आपको बूट रिपेयर करना है या EMMC रिपेयर करना है तो आप यहाँ पे ISP पिन आउट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर जिसका अगर नाम मिलता हो आपको तो आप उसे गूगल पे उसका मॉडल नंबर लिख करके उसका ISP पिन आउट जो है JSON फॉर्म में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे भी जम्पर जो निशान लगा हुआ वहाँ पे आप जम्पर करके ISP पिन आउट करके, ठीक है, UEFI बॉक्स से कनेक्ट करके UEFI बॉक्स से उस मोबाइल का डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं, EMMC रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं,
आपको समझ में आ गया होगा कि एसपी पिन आउट आपको यहाँ पे यूएफआई बॉक्स के इसमें जो सेटअप में दिया हुआ है यहाँ पे मिल सकता है आपको, और जो नहीं मिलता है आपको लेटेस्ट मॉडल का, उसे जो है आप गूगल से सर्च करके जेएसएम फॉर्म में आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों नीचे में मोबाइल का मॉडल नंबर भी लिखा हुआ था, जो भी इमेज को आप ओपन करेंगे उसमें मोबाइल का मॉडल नंबर लिखा होगा, कौन सा मॉडल का कौन सा एसपी पिन आउट है, ठीक है, वो सब आपको दिखा देगा। ठीक है, चलिए इसे हम यहाँ पे बैक करते हैं। बैक करने के बाद सबसे पहले हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें जो है सेटअप डाउनलोड सॉरी इंस्टॉल करना है, जो मेन सेटअप है यूएफआई का मेन सेटअप हमें इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेन सेटअप है इसे हमें जो एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करके इसे हमें इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में। तो ये भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है, चलिए इस फोल्डर को हम ओपन करते हैं, उसके बाद इस सेटअप को हमें इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट करना है यहाँ पे, लेकिन नेक्स्ट करने के लिए आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन, क्योंकि नेक्स्ट करने से पहले आपको यहाँ पे जो है ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ड्राइवर यानी बॉक्स का, यानी अगर आपके पास यूएफआई बॉक्स है या यूएफआई डोंगल है उससे पहले आपको ड्राइवर आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना। ड्राइवर का ऑप्शन यहीं पर दिया हुआ है, अगर आपके पास डोंगल है तो डोंगल का ड्राइवर इंस्टॉल करें, अगर आपके पास बॉक्स है तो बॉक्स का ड्राइवर यहाँ से इंस्टॉल कर लें। तो हमारे पास बॉक्स है, चलिए हम बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पे इसका ड्राइवर पहले हम यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, ड्राइवर हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट करने का हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये नेक्स्ट करने का ऑप्शन हमें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा बॉक्स यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है हमारे पीसी से। ठीक है, तो इसे हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा, कैंसिल करना होगा, दोबारा से हमें बॉक्स लगाना होगा अपने पीसी में। ठीक है, बॉक्स को लगाएंगे ऑटोमेटिक उसका ड्राइवर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद दोबारा से फिर से हमें इस सेटअप को ओपन करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बॉक्स यहाँ पे शो कर रहा है, यानी इसका मतलब है हमारे पीसी में जो बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, इस सेटअप को आप तभी इंस्टॉल कर सकते हैं जब आपके पास यूएफआई बॉक्स या डोंगल रहेगा लगा हुआ रहेगा आपके पीसी में, तभी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है इसको, और सारी सेटअप जितनी भी सेटअप है इसमें ड्राइवर है, ठीक है, यूएमसी ड्राइवर है, जो भी ड्राइवर है सारे ड्राइवर को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको जिस तरह से दिखा रहा हूं इसी तरह से आपको सारे के सारे सेटअप को आपको इंस्टॉल करना है। चलिए इसे इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं कि कैसे आपको इसे रजिस्टर करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा, आप यहाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं या ऐसे आप क्लोज कर दें। ठीक है, तो दोस्तों यूएफआई का मेन सेटअप इंस्टॉल हो चुका है, चलिए इसे हम ओपन करते हैं। कोई भी टूल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी टूल को अगर हम ओपन करेंगे तो पहले ये रजिस्टर मांगेगा, क्योंकि हमारा बॉक्स जो है रजिस्टर नहीं है तो पहले ये रजिस्टर करने के लिए कहेगा हमें, तो पहले हमें यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर पे क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, ईमेल आईडी डाल करके आपको रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना है, एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक ईमेल आईडी डाल देते हैं, उसके बाद इस बॉक्स को हम रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों हमने ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक करना है, उसके बाद जैसे आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे आपका जो है इंटरनेट कनेक्ट रहेगा, ऑनलाइन रहेगा आपका कंप्यूटर, उसके बाद जो है यहाँ पे ओके करना है, ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से आना है यहाँ पे सेटअप में, उसके बाद यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये फोल्डर है, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है, इसके अंदर में यहाँ पे पैकेज जो है सेटअप है इसे आपको ओपन करना है। ये पैकेज जो है आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है, यूएफआई का फ्लैश पैकेज है, इसे आपको इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों ये पैकेज जो है अब ये इंस्टॉल हो रहा है कंप्यूटर में, इसके बाद हमें फिर से जो है इस पैकेज के अलावा जो है बैक जाना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फोल्डर और बचा हुआ है, तो ये दोनों फोल्डर को आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करके इसे आपको सी प्रोग्राम में जो आपका यूएफआई बॉक्स इंस्टॉल है तो सी प्रोग्राम में आपको ये दोनों फोल्डर कॉपी करके आपको ले आकर के सी प्रोग्राम में यूएफआई बॉक्स के फोल्डर में पेस्ट कर देना है।
उसके बाद जो है आप अपना सेटअप को जो है ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आप दिखाते हैं हम आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेटअप को ओपन किया और यस किया। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि UEFI बॉक्स का जो सेटअप जो है हमारे कंप्यूटर में जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको ओके कर देना है। अगर कोई कमी होगा आइडेंटिफाई पे क्लिक मारेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आपका अपडेट हो जाएगा टूल पूरी तरह से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।